कोरोना महामारी संक्रमण और हर साल होने वाले डेंगू बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए रायगढ़ जिला कलेक्टर के आदेश के मुताबिक रायगढ़ निगम क्षेत्र में नगर निगम अमले ने महासफाई अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत शहर की सड़कों में जगह जगह सड़क किनारे पार्क किए गए अनुपयोगी वाहनों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, शहर के सभी 46 वार्डों में एक एक कर निगम अधिकारियों महापौर पहुँचने की रणनीति बना चुके हैं, जहाँ स्थानीय लोगों और वार्ड पार्षद के साथ मिलकर वार्ड में साफ सफाई और टूटी फूटी नालियों का दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। महापौर आयुक्त द्वारा निरीक्षण करके पता लगाया गया है क्या क्या वार्ड में समस्याएं हैं, अभी उसके हिसाब से कार्य योजना बना के नगर निगम इसमें काम करेंगे और आगे हम अभी जो गैप्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जैसे हमारे पास रिक्शा की कमी है, मैन पावर की थोड़ी कमी है, तो DMF से 100 लोग सफाई कर्मी हम बढ़ा रहे हैं और रिक्शा 14 में से 100 रिक्शा हम ले रहे हैं, तो उससे जो गैप है उसको हम पूरा भर पाएंगे। तो आगे अभी ये लगातार सफाई महोदय के निर्देश पे हमारे नगर निगम में महासफाई अभियान क्लीन अप रायगढ़ का आगाज हुआ, जो कि आज हमारे लगभग 1.5-2 महीने के अथक प्रयास से आज ये अंतिम स्वरूप में पहुंच गया है। आज वार्ड नंबर 46 का दौरा था, ग्रामीण वार्ड है, कई समस्याएं मूलभूत रूप से सड़क नाली की है, जिसको बनाने की जिम्मेदारी निगम को और विधायक निधि से हमने मांग की है, उनको दी जाएगी। साथ ही यहाँ कुछ अच्छे वाटर बॉडीज़ हैं जिसको रिनोवेट कर